रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फिर से होगी टिकटॉक की एंट्री, खरीद सकता है रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, देश में युवाओं के पसंदीदा चाइनीज ऐप टिकटॉक की एक बार फिर एंट्री हो सकती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइट डांस और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची हैं। रिलायंस और टिकटॉक की ओर से अब तक मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको बता दें कि बीते जुलाई महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। बैन होने वाले ऐप में भारत में सबसे लोकप्रिय बैन के वक्त टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय थे और इसकी करीब 10% कमाई भारत से होती थी। अप्रैल 2020 तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक के 2 अरब डाउनलोड किए गए थे। इनमें से करीब 30.3% या 61.1 करोड़ डाउनलोड भारत से थे। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के अनुसार टिकटॉक का डाउनलोड भारत में चीन से भी ज्यादा हो गया है। चीन में टिकटॉक का डाउनलोड सिर्फ 19.66 करोड़ है, जो कि उसके कुल डाउनलोड का महज 9.7% हिस्सा है। अमेरिका में भी टिकटॉक बैन। पिछले सप्ताह अमेरिका ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी थी। हालांकि अमेरिका ने बाइट डांस को टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर रेस में हैं।